मॉर्निंग की ब्रेकफास्ट जो है बहुत ही टेस्टी और हेल्दी हो जाए तो दिन बन जाती है। तो चलिए आज की कुछ रेसिपी ऐसे ही है, ये बिना फ्राई किए बिना सिर्फ 3 से 4 चम्मच के अंदर ही इस ब्रेकफास्ट को आप रेडी कर सकते हैं और बहुत ही हेल्दी भी होता है, साथ ही साथ बहुत टेस्ट भी बन जाता है। तो फिर चलिए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यह है बीटरूट और ऑनियंस की जो नाश्ता है, बहुत टेस्टी बनता है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो मैंने यहाँ पे लिया है एक बीटरूट, मीडियम साइज़ का बीटरूट है। इसकी जो ऊपर की जो लेयर रहती है इसे ऐसे ग्रेट करके निकाल देंगे, पील करके निकाल दिया मैंने, सॉरी पील करके निकाल देंगे। अब हम इसे ऐसे छोटे छोटे साइज़ की जो ग्रेट करने की मशीन रहती है इसे मैं इसे ग्रेट कर रही हूँ। तो ये कर दिया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये होने के बाद मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1 कप ऑनियंस, इसे ऐसे फाइनली चॉप कर दिया है। अब सॉल्ट ऐड करेंगे स्वाद अनुसार, और ये है तीखी वाली लहसुन और हरी मिर्च की चटनी, रेड मिर्च की चटनी रहती है ना वो है, और इसे मैं एक मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र कर देती हूँ ताकि मिक्स करने में आसानी हो जाए। मिक्स कर देते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कड़ी पत्ता और हरा धनिया, यानी कि करी लीव्स और कोरिएंडर लीव्स, इसे मिक्स कर देंगे। और भी थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ग्रीन चिलीज़ को ऐसे फाइनली चॉप कर दिया है, इसे डाल देते हैं, इसे मिला देंगे, इसे रख देते हैं साइड में। और यहाँ पे आटा रेडी कर देते हैं। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2 बॉल मैदा, यानी कि ऑल पर्पज़ फ्लोर, इसे अच्छी तरीके से स्ट्रेन कर देंगे ताकि कुछ गंदगी वगैरह कुछ तो हो जाते तो सेपरेट हो जाती है। ये हो गया मैंने स्ट्रेन करके। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालते हुए इसकी एक सख्त टाइट डो रेडी कर देती हूँ। पानी जो है थोड़ा थोड़ा सा ही डालते हुए जाना है और एक मीडियम टाइट डो रेडी कर देना है। जब भी हम चपाती बनाते हैं ऐसे उससे भी थोड़ा सा टाइट डो रेडी करना है। और 1 टेबल स्पून तेल ऐड कर देंगे और इसे मसल मसल के 3 से 5 मिनट्स तक इसे मसल मसल के इसकी जो एक मीडियम डो रेडी कर देंगे। अब इसके ऊपर कवर करके रख देते हैं 15 से 20 मिनट। अब ये हो चुका है सेट, आटा जो है सेट अच्छी तरीके से हो चुका है। अब मैं इसे निकाल के फिर से एक से डेढ़ मिनट तक इसे मसल लेती हूँ। और होने के बाद इसकी जो एक छोटे छोटे बॉल्स बना देते हैं, एक लेमन साइज़ की ऐसे बॉल्स बना देंगे। सो सारे मैंने बना दिया। और एक डस्टिंग पाउडर ले लेते हैं, यानी कि मैदा, थोड़ा सा इसे बेल लेंगे, लंबा लंबा नहीं करेंगे, थोड़ा सा ही बेलना है, थोड़ा सा मोटा रखना है। और जो हमने स्टफिंग बनाया था इसे रख देंगे और ऐसे स्लोली इसे उठा के ऐसे प्लेट्स बनाते हुए इसकी एक बॉल साइज़ बना के ऐसे कर देते हैं। ये हो गया, हाथों से भी आप इसे जेंटल से ऐसे प्रेस करें तो भी हो जाता है। मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ, इसे बेलने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है, अगर चाहे तो मैं बेल के भी दिखा देती हूँ, ऐसे जेंटल से प्रेस कर दे तो हो गया। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बिल्कुल नाश्ता फ्राई यानी कि रोस्ट करने के लिए रेडी हो चुका है। वो तो इसे साइड में रख के मैं और एक करके दिखा देती हूँ। इसे बेल लिया पूरी के जितना और स्टफिंग रख दिया है और छोटे छोटे प्लेट्स बनाते हुए इसे कवर कर दिया है और इसे प्रेस कर दिया है। और थोड़ा सा फिर से सूखा आटा लगा के जेंटल से इसे प्रेस कर देना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ज़ोर से प्रेस नहीं करना है, जेंटल से हाथों से कर देना है। इसे जो मैं 3 से 4 टेबल स्पून तेल डाल रही हूँ तवा के ऊपर, और जितना हो सकता है उतना हम यहाँ पे जो बीटरूट और ऑनियंस की जो नाश्ता है इसके ऊपर रख देते हैं। बहुत तेल नहीं चाहिए होता है इसे। 2 से 3 मिनट हो चुका है, मैं इसे पलट रही हूँ, मीडियम आंच पे ही इसे रोस्ट करेंगे क्योंकि जो अच्छी तरीके से कुक होना चाहिए और क्रिस्पी बन जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं अच्छी तरीके से गोल्डन कलर की जो स्पॉट्स है आ रहा है। तो ये हो गया है, मैं इसे निकाल देती हूँ। टोटल 6 से 7 मिनट्स तक लग जाता है मीडियम फ्लेम पे इसे पलटते हुए इसे करना है।
तो ये हो गया। नेक्स्ट बैचेस भी मैं ऐसे ही कर देती हूँ। थोड़ा सा ये तेल डाल दिया है और इसे दोनों साइड से ऐसे रोस्ट कर दिया है, तो ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। नाश्ता जो है मैं इसे सर्व कर रही हूँ एक अमेजिंग और क्यूट सा प्लेट के अंदर। तो और इसे सर्व कर रही हूँ तीखी वाली चटनी के साथ। आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर अपने घर पे ट्राई करें और लेडीज़ दुनिया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ और भी ऐसे अच्छे अच्छे रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।